हम समझते हैं कि कुछ ऐसे कुवतें हैं जो हमारे मुल्क में कायदे आजम के वफाकी और पार्लियामेंट्री निजाम नहीं देखने चाहते हैं और हमारे मुल्क के अंदर वो प्रेसिडेंशियल निजाम मुसल्लत करने चाहते हैं और हमारे मुल्क के अंदर कहने चाहते हैं कि 1985 से 5 असेंबलियां आई हैं, हमने जुनेजो को आजमाया और हमने बेनजीर को आजमाया, हमने नवाज शरीफ को आजमाया, बेनजीर 2 मरतबा आई, नवाज शरीफ 2 मरतबा आया। अगर बेनजीर के पास कोलिशन गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ के पास तो 3/4 मेजोरिटी थी, नवाज शरीफ के पास तो 95% मेजोरिटी थी। अगर नवाज शरीफ भी मसला हल नहीं कर सकता और अब तक बेरोजगारी है और महंगाई है और अब तक रिश्वत है, तो फिर इसका मतलब है कि पार्लियामेंट्री निजाम नहीं चल सकता। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट्री निजाम को खतरा है और हम समझते हैं कि हमें प्रवोक नहीं होना चाहिए और इस गोल्डन जुबली साल में हमें पार्लियामेंट्री निजाम को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। और जब हम पार्लियामेंट्री निजाम की बात करते हैं तो हमारा ये मतलब है कि लीडर ऑफ द हाउस को चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए और लीडर ऑफ द हाउस या प्राइम मिनिस्टर को एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री फोर्सेस को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए, प्रेशर में नहीं डालना चाहिए। और हम समझते हैं कि पार्लियामेंट्री निजाम को बदनाम करने के लिए सियासतदानों को बदनाम किया गया है, डिफेम किया गया है, झूठे झूठे डॉक्यूमेंट्रीज तैयार किए गए हैं। कहा जाता है कि घोड़े दूध पीते हैं, कभी और किसी ने सुना कोई घोड़ा? आपको मैं चैलेंज देती हूं कि इस कौमी असेंबली में पेश करो वो घोड़ा जो दूध की, सुनो, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी जो लोग सुन नहीं सकते हैं, क्या वो आइंदा क्या करेंगे? अल्लाह बेहतर जानता है। आपको मैं आज चैलेंज देती हूं, मिस्टर स्पीकर, क्यों डरते हैं इस चैलेंज से? कहते हैं कि हम 177 वोट्स लेकर के आए हैं, 3/4 मेजोरिटी लेकर के आए हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को 95% मेजोरिटी कभी नहीं मिला, हाँ, लेकर के तो आए हैं। खुश हो, घोड़े को ले आओ, उसको दूध पिलाओ, घोड़े को ले आओ। When you restore order, I will continue. When you restore order, I shall continue. All right. Thank you for restoring the order, Mr. Speaker. So, जैसे मैं आपको कह रही थी, वो घोड़ा ले आओ, जो दूध पीता है, वो घोड़ा ले आओ, जो मामलेट खाता है, वो घोड़ा ले आओ, जो शहद खाता है। और बताओ कि क्या सियासतदान बुरे हैं या सियासतदानों की किरदार खुशी की गई है?